अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सबाज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। बहुत सी आम खबरें जो आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी मिलता रहे। पहले सबसे शुरू करते हैं आज के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के बहुत ही अहम बयान, जो उन्होंने अमरीकी खबर रसा को जो है वो इंटरव्यू देते हुए किया है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जेल काटने वाले सैकड़ों पार्टी अरकान के बगैर भी इलेक्शन जो है वो शिफाफ हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि जेल काटने वाले पीटीआई अरकान तोड़फोड़ जलाओ गिराओ की गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। अनवारुल हक काकड़ ने मजीद कहा कि पीटीआई में शामिल हजारों अफराद जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस नहीं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। इन्होंने मजीद कहा कि फौज से करीबी ताल्लुक की बात सियासत का हिस्सा है, इस पर तवज्जो नहीं देता। फौज और वफाकी हुकूमत के दरमियान ताल्लुक बहुत हमवार, खुला और शफाफ है। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हमें सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के चैलेंज का सामना रहता है, चैलेंजेस के मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। इन्होंने कहा कि दौरान सिविल अदारों के कारकर्दगी खराब हुई है, पीटीआई को जीतने से रोकने के लिए इंतखाबात में फौज की धांधली की बात करना मजायका खेज है या बेहुदा है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि उम्मीद है आम इंतखाबात नए साल में होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकरर चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म किया था। पूछता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ क्यों हो गए हैं? आम इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन कराएगा, फौज नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हम किसी के खिलाफ जाती इंतकाम पर अमल पैरा नहीं। चेयरमैन पीटीआई या किसी भी सियासतदान की जानिब से कानून के खिलाफ वर्जी पर कानून की बहाली यकीनी बनाई जाएगी। इन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शंस की तारीख का ऐलान तय होते ही वफाकी हुकूमत हर तरह का तआवुन करेगी। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अदलिया के फैसलों में मुदाखलत करूंगा, ना ही अदालतों को किसी सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की सजा का अदम करवाने के लिए अदलिया के फैसलों में मुदाखलत नहीं करेंगे। जिस पर जो है निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के इस बयान के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के जानिब से जो है वो उनका रद्द अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ अपने बयान की वजाहत दें। उन्होंने कहा, तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ या उनकी पार्टी के बगैर करवाया गया इलेक्शन गैर आइनी और गैर अखलाकी होगा। इन्होंने कहा कि ऐसे इंतखाबात को अवाम हरगिज कबूल नहीं करेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपने बयान की वजाहत दें। पीटीआई तर्जुमान ने मजीद कहा कि अनवारुल हक बतौर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपनी हुकूमत को शर्मगेज मंसूबों से अलग करें। उनका कहना था कि चेयरमैन पीटीआई मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, उनके बगैर होने वाले इंतखाबात अवाम कबूल ही नहीं करें। जबकि दूसरी जानिब जो है वो इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए हम मामले पर जो है वो निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जेलानी का कहना है कि इसराइल से ताल्लुकात के मामले पर पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के मफादात को मद्देनजर रखते हुए फैसला करेगा। इन्होंने कहा कि इससे पहले जो है वो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर खारजा जो है एली कोहन ने कहा था कि सऊदी अरब के साथ 6 से 7 मुस्लिम ममालिक जो है वो इसराइल को तस्लीम करेंगे। अपने बयान में इसराइली वज़ीर खारजा ने कहा कि सऊदी अरब के साथ अमन का मतलब मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन है। सऊदी अरब के 93वें कौमी दिन पर इसराइल ने मुबारकबाद भी दी, जिसमें उन्होंने अपने बयान में कहा था कि सऊदी अरब के बादशाह हुकूमत और आवाम को मुखलिसाना मुबारकबाद और दुआएं पेश करते हैं। उसके बाद निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से गैर मियारी इंजेक्शन से शुगर के मरीजों की बिनाई जाने के मामले पर जो है इजलास तलब कर लिया गया है। कल के रोज की जो सबसे वो एक अफसोसनाक वाक्य हुआ था कि शुगर्स के जो मरीज थे उनको जो है वो घर में इस तैयार किए गए इंजेक्शन जो है उन्होंने इस्तेमाल किए हैं और डॉक्टर्स के रेफरेंस से किए या जैसे भी उन्होंने किए, लेकिन उनकी जो बिनाई मुतासिर हुई है उसके हवाले से पंजाब में, तो उस पर जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो एक्शन लिया है। और उन्होंने जो है वो तफसीली ब्रीफिंग लेने के बाद लाइन ऑफ एक्शन से मीडिया को आगाह करेंगे। उसके बाद उन्होंने लाहौर और कसूर के बाद मुल्तान और सादकाबाद में गैर मियारी इंजेक्शन से बनाई से मुतासिर होने के केसेस सामने आ गए थे, जिस पर जो है वो जाली इंजेक्शन का धंधा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि मॉडल टाउन में गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेल कर दिया गया है। इसके अलावा आपको मुआशी हालात पाकिस्तान के जो है उसके हवाले से न्यूज देते हैं कि निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर का कहना है कि मौशियत की बेहतरी के लिए रियासती मलकियती अदारों में एहतसाब और गवर्नेंस अहम है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबरान ने निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान का कहना था कि शरह तबादला दुरुस्त करना और IMF की मदद जारी रहना काबिले सताइश है। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा कि हुकूमत टैक्स की बुनियाद वसी करने के वादे पर कायम है। इन्होंने मजीद कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए निगरान हुकूमत तवानाई के मसाइल हल करने के वादे पर भी कायम है। मईशत की बेहतरी के लिए रियासती मलकियती अदारों में एहतसाब और गवर्नेंस अहम है, इसलिए एहतसाब और गवर्नेंस की बेहतरी से खुशहाली यकीनी बनाई जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान के इस वक्त जो है वो मौशी हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और उसके एक ही जो पहले तो लोग जो थे वो जो डकैत्स थे जो चोरियां करने वाले थे वो तो पहले नकदी या रकम वसूल कर लेते थे या मोबाइल फ़ोन स्नैच करते थे। लेकिन आज ही का जो वाक्य है कि कराची के शाह फैसल कॉलोनी में 5 सिगरेट कंपनी के सेल्समैन को जो है वो लूट लिया गया, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई है। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजमान सेल्समैन की जो है वो तलाशी ले रहे हैं। उसके बाद जो उनके पास एक कार्टन था जिनकी वो डिलीवरी करने जा रहे थे, उसमें अगर उन्होंने देखा कि अच्छे ब्रांड की सिगरेट है तो उन्होंने जो है वो सिगरेट भी उनसे जो है वो छीन ली है। मतलब कि पाकिस्तान के हालात अब इस हद तक खराब हो चुके हैं कि एक आम आदमी जो है वो अपनी सिगरेट की भी जो वो उनके पास जो है वो महफूज नहीं है। उसके अलावा आपको एक अहम मुलाकात के बारे में हमने कल भी बताया था कि लंदन में जो है वो होगी और जिसमें जो है निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो कल लंदन पहुंचे हैं अमरीका का अपना दौरा 5 रोजा मुकम्मल करने के बाद। और कहा यह जा रहा है कि निगरान वजीर आजम का लंदन का दौरा जो है वो 3 दिन का होगा। लेकिन इसके साथ ही जो उनकी एक वहां पर अहम मुलाकात भी मतवक्के थी जो आज हुई है, लेकिन उसके हवाले से जो है उनके जो जिन शख्सियात के साथ मुलाकात हुई है उनका कहना है कि हमारी ऐसी कोई भी मुलाकात जो है वो नहीं हुई है। लेकिन जिस होटल में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ साहब ठहरे हुए थे वहीं पर ही एक ऐसी शख्सियात भी थी मुस्लिम लीग नून की जो कि कुछ अर्सा पहले भी जो था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से जब तहरीक इनकी कैंपेन चल रही थी उस हवाले से वो शख्सियत ने अपना बहुत अहम रोल करदार अदा किया था। जनरल बाजवा से पैगाम लेकर आने और PDM हुकूमत के दरमियान जो था ये खबर रसाई का जो काम था उन्होंने किया था और वो शख्सियत कोई और नहीं मलिक मोहम्मद अहमद खान थे। और इन्हें ही जो है वो आज के दिन जो है वो जिस होटल में निगरान वजीर आजम ठहरे हुए हैं उसी होटल से निकलते हुए देखा गया है, जिस पर सहाफी ने उनसे सवाल भी किया कि मलिक साहब के यहाँ पर निगरान वजीर आजम भी ठहरे हुए हैं, जिस पर मलिक साहब ने जो है वो बहुत मानी खेज जो है वो मुस्कुराहट के साथ कहा कि अच्छा, मतलब उनकी जो मुस्कुराहट थी उन्होंने ना कोई वाजिया पैगाम मतलब कि हाँ की है या ना की है, लेकिन जस्ट उन्होंने स्माइल पास किया और वो चले गए हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये जो है मलिक अहमद खान साहब जो है वो एक उनके दरमियान जो है वो एक मुलाकाती या मशावरती जो है पैगाम नून नवाज शरीफ की जानिब से या जो निगरान वजीर आजम है उनकी जानिब से जो है वो लेकर गए हैं। उनके जो जरिए से उनके तवस्त जो है वो मुलाकात उनकी वहां पर तय की गई है। नवाज शरीफ से सवाल ये है कि वो क्या पैगाम लेकर गए हैं निगरान वजीर आजम, या निगरान वजीर आजम जो है वो अपना वो पैगाम जो निगरान वजीर आजम को लेकर आए थे उनका जो पैगाम था वो पहुंचाने गए हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या मजम्मती सियासत जो है वो ना करें, अपने बयानिए पर जो है वो कायम रहें, पहले वाले पर बयानिए चेंज ना करें, इस हवाले से होगी जो भी अहम डेवलपमेंट होंगी वो अभी तक सामने नहीं आई है। क्योंकि नून लीग के जो रहनुमा थे कायदीन जो हैं उनकी जो है वो उन्होंने उनसे जब सवाल किया गया है कि आपकी उनके साथ मुलाकात हुई है तो उन्होंने इनकार कर दिया है, कहते कि हमारी उनके साथ जो है वो कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए बखबर रहने के लिए Galaxy News देखते रहिए और कल की वीडियोस के साथ दोबारा से पेश होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।